रूस यूक्रेन की जंग करीब 11 महीने बाद भी लगातार जारी है। इसे रोकने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई है। सोमवार को इस मसले पर नया ट्विस्ट भी सामने आया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA में एक प्रस्ताव लाया गया है। इसमें कहा गया कि यूक्रेन को जंग से जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई रूस को करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर वोटिंग भी हुई है, हालांकि भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। प्रस्ताव में रूसी हमले की वजह से यूक्रेन को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के समर्थन से इस प्रस्ताव को UNGA में लाया गया है और इसमें यूक्रेन के पक्ष में तकरीबन 94 देशों ने वोट किया है। इसके बाद प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया है। बेलारूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस और सीरिया को मिलाकर लगभग 14 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ में वोट किया है, जबकि 94 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया।